राजस्थान की वीर भूमि के सारे बच्चे बच्चियां उन सबका मैं लोकमान सिंह करियर काउंसलर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि सीखने की इस श्रृंखला में आज हम फिर रूबरू होंगे एक दूसरे के साथ और ये सीखेंगे कि शिक्षण में यानी टीचिंग में क्या क्या ऑप्शंस या विकल्प हमारे जीवन के लिए हमारे करियर के लिए हैं। तो आप सब जुड़े और उम्मीद करता हूं कि इस बार आपने अपने आस पड़ोस के दूसरे बच्चों को भी जोड़ा होगा। अगर ऐसा किया तो आप पुण्य के भागी हैं। आपको फक्र होना चाहिए कि आपने किसी और के जीवन में भी प्रकाश लाने के लिए सहयोग दिया है और योगदान दिया है। उसके साथ साथ उन सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को जो कि आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और पिछले कार्यक्रमों से जुड़े थे हैं, उनको मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं कि आप इस श्रृंखला में जुड़कर देश और प्रदेश की भागीदारी में आप सार्थकता से योगदान दे रहे हैं। ये बहुत ही फक्र की बात है क्योंकि शिक्षण करना यानी स्कूल में जाके पढ़ाना वो एक हमारा दायित्व है, पर ये जो आज आप जुड़ रहे हो, ये जो ज्ञान आप ले रहे हैं, इस ज्ञान को बच्चों तक निस्वार्थ भाव से पहुंचाना ये वास्तव में ही पुण्य का काम है। किसी के जीवन में प्रकाश ला देना बहुत बड़ी बात है। आप लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, पर आज की इस श्रृंखला से, आज की इस वार्ता से, आज की इस चर्चा से सॉरी, अगर आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हो तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। और आइए आज शुरू करते हैं कि शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में विशेष रूप से आज का एक ही टॉपिक रहेगा कि टीचिंग के क्षेत्र में यानी पढ़ाना लिखाना, पढ़ना लिखना, इस क्षेत्र में करियर बनाने के क्या क्या विकल्प हैं। तो आइए इन विकल्पों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं ये बता दूं आपको, और जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, वो जरूर इस बात को एडमिट करते होंगे कि शिक्षा देना कोई व्यापार नहीं है और ये कोई व्यवसाय भी नहीं है। बाकी सारे व्यवसाय हो सकते हैं, बिजनेस हो सकती है, पर कम से कम किसी और को सार्थक बनाना सिर्फ व्यवसाय नहीं हो सकता। और जो कुछ इस काम के बदले आपको मिलता है तनख्वाह के रूप में या आपकी मेहनत के रूप में, वो कभी भी आपके किए हुए काम का मान वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। वैल्यू आपके समय को बेचने की, समय देने की हो सकती है, पर किसी अपने ज्ञान से कहीं आपने ऐसे बीज बोए जहां से बड़े बड़े वृक्ष पैदा हुए, जिनसे लोगों का, अपना, उनके परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का उद्धार होता हो, विकास होता हो। ऐसी चीजें, ऐसे काम कि आप सोच सकते हो कोई कीमत दी जा सकती है? नहीं, कभी नहीं। तो टीचर के काम की, टीचर की सेवा की कभी कोई कीमत नहीं दी जा सकती। ये बात बहुत ध्यान से समझने की है। बाकी सारी नौकरियों की सेवा दी जा सकती है। एक माँ का, यानी जो माँ हमारे साथ करती है वो हमारा पहला शिक्षक होता है। हमें सुना होगा माँ पहली शिक्षक होती है। तो माँ का कर्ज हम नहीं लौटा सकते, कभी पूरा नहीं कर सकते। पिता की दी गई सेवा, पिता का समर्पण, वो भी हम नहीं कभी चुका सकते। वैसे ही तीसरा स्थान गुरु का आता है, शिक्षकों का आता है। तो हम उनको भी जो फीस दे देते हैं उससे उनके काम की वैल्यू हम नहीं दे सकते। तो जो जो बच्चे आज इस क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में अपने करियर पर कुछ सोच रहे हैं, वो ध्यान रखें, ये बड़े फक्र का विषय है कि एक टीचर के पास हो सकता है धन कम हो सकता है संसाधन कम हो सकता है महल गाड़ियां कम हो, पर उसके मन में झांक के देखेंगे तो उसका मन कितनी अच्छी तरह से भरा पूरा होगा, क्योंकि वो रोज अपने खजाने में से दूसरों को बांटता है। तो इसका मतलब यह है कि शिक्षण एक व्यवसाय नहीं हो सकती, एक बिजनेस नहीं हो सकता, बल्कि यह एक कला है जी, एक जुनून है,
यानी आपका पैशन है अगर अंदर से दूसरों की जिंदगी में प्रकाश लाना, तो ही आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो। एक सेवा है लोगों की, समाज की, राष्ट्र की, इस ग्रह की। यह वो व्यवसाय है बच्चों जो पूरी दुनिया के दूसरे व्यवसायों को, करियर्स को पैदा करता है। यानी दुनिया में जितने भी करियर हैं, लगभग सबको कहां से प्रेरणा मिलती है? शिक्षकों से, शिक्षण से। तो ये अपने आप में व्यवसाय नहीं है, ये अपने आप में एक सेवा है, एक जुनून है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में बहुत कम लोग सफल शिक्षक हैं, बहुत कम लोग। यानी टीचर बहुत बनते, सबसे ज्यादा प्रोफेशन अगर पिछले 50-60 सालों में बढ़ा है तो वो बढ़ा है टीचिंग का। पर मैं आपको बता दूं, टीचिंग के प्रोफेशन में क्वालिटी भी उसी लेवल से गिरी है। जितने ज्यादा लोग गए हैं, क्वालिटी गिरी है। और वो क्यों? इससे राष्ट्र की शिक्षा पर फर्क पड़ता है, और उसमें बहुत कम परसेंटेज है जिनको आप सक्सेस टीचर कह सकते हो, सक्सेसफुल टीचर कह सकते हो, और बाकी जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। आपने देखा होगा बड़े मुस्कराते से टीचर होते हैं कुछ स्कूल में, अरे बड़े खिले खिले से रहते हैं, वो सक्सेस टीचर है। जो मुरझाए हुए पढ़ाते हैं वो आप समझना, वो सक्सेस टीचर नहीं है। इसलिए इस व्यवसाय को सोच समझ कर चुने। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, कैसे इसको चुनना चाहिए, आइए इस पर जिक्र करते हैं। तो मैंने अभी बात की थी कि कौन से सक्सेस टीचर होते हैं और कौन से सक्सेस नहीं होते। इसमें दो तरह के लोग हैं, एक जिनको और कोई करियर विकल्प नहीं है, जिनको और कोई काम या तो मिल नहीं रहा, मिला नहीं, या मजबूरी है, टीचर का काम हमने आसपास के स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में कहीं कर लिया, हमारा मन नहीं था पर हमारे पास दूसरा काम नहीं था। अगर आपका मन नहीं है और फिर बेमन आपने सुविधा अनुसार इस करियर को चूज कर लिया, आप समझना आपने अपने जीवन का नुकसान किया। आप उस काम को करके कभी खुश नहीं होंगे, और जब आप काम करके खुश नहीं होंगे तो आपके सामने जो लोग बैठे हैं वो आपके ग्राहक नहीं है, वो जीती जागती जिंदगी है, परिवारों का, समाज का, देश का भविष्य है। अगर बेमन आपने उनको शिक्षा दी तो वो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकेगी, तो आपका शिक्षण असफल होगा और उनका सीखना असफल होगा। वहीं अगर आपका मन है पढ़ाने का, आपको मजा आता है, आनंद आता है आपको दूसरों को सिखाने में, और लोग आपसे खुशी खुशी सीखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप समझना आप एक सफल शिक्षक हैं, चाहे जैसी श्रेणी पर भी हो आप। अगर आपको बच्चों में रहकर, लोगों में रहकर, उनको सिखाकर, उनकी जिंदगी में ज्ञान भरकर, उनकी जिंदगी में कौशल भरकर, प्रवीणताएं भरकर अगर आपको खुशी मिलती है, तो आप सफल शिक्षक की श्रेणी में हो सकते हैं। इसलिए टीचिंग बाय चॉइस और टीचिंग बाय डिफॉल्ट में आपको ये सोचना है कि क्या मैं बाय चॉइस टीचर बनना चाहता हूं, या मैं और कुछ नहीं तो ये ठीक है इसी को कर लें। मत करना, रोको, नहीं जाना, अपना और लोगों का भविष्य नहीं खराब करना। बाय चॉइस अगर आप टीचर हैं, बाय चॉइस आपके अंदर जुनून है अगर टीचिंग का, पढ़ाने का, शिक्षा के क्षेत्र में जाने का, लोगों को शिक्षा देने का, तो आप जरूर इस क्षेत्र में जाओ। अब जिक्र करें कि बाय चॉइस क्या होता है, यानी मन से शिक्षण कैसा होता है और मजबूरी से कैसा। तो चार पांच चीजें बच्चों आप देख सकते हो। यानी अगर आपको बच्चों के साथ रहना, उनके साथ उनको सिखाना, उनकी गलतियों को समझना, सुधारना और उनको आगे बढ़ाना, अगर आपको अच्छा लगता है उनके साथ रहना, तो आप टीचर बन सकते हैं। टीचर को एक ही काम रोज रोज करना पड़ता है, यानी रोज एक ही स्कूल में जाना, वही बच्चे पढ़ाने। अगर आपको एक ही जगह से बोरियत नहीं होती और आपको अच्छा लगता है, आप टीचर बन सकते हैं। आपको कुछ स्पेशल चीज आती हो, यानी कोई विषय एक अच्छा लगता हो, गणित अच्छा लगता हो, साइंस अच्छी लगती हो, आर्ट्स अच्छी लगती हो, सोशल साइंस अच्छी लगती हो, या स्पोर्ट्स अच्छा लगता हो,
कोई एक चीज ऐसी हो जो आपको लगता है मुझे अच्छी लगती है तो आप टीचर बन सकते हो, क्योंकि आपके पास वो होगा चीज जो आप दूसरों को दे सको। आप कब दे सकोगे? जब आपके पास होगा। तो आपका किसी न किसी एक फील्ड में रुचि हो और वो फील्ड जिसमें आपकी रुचि है वो आप दूसरों को पढ़ा सकते हो। एक, आपको बोलना बहुत पड़ेगा। अगर आपको दूसरों से मिलकर बोलकर अच्छा लगता है तो टीचर बने, आपको चुप रहना अच्छा लगता है तो आप टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि टीचर को सारे दिन बोलना पड़ता है। दूसरों को भला करना आपको अच्छा लगता हो, दूसरे आगे बढ़े आपकी मेहनत से और आपको अच्छा लगे, जब अच्छा रिजल्ट आता है तो टीचर का सीना फक्र से फूल जाता है, उसको कोई तनख्वाहें थोड़ी मिलेंगी उनकी जो बच्चे पास हुए, पर दूसरों को आगे बढ़ते हुए किसी होती है तो आप टीचर बन सकते हैं। ये पांच चीजें, अगर आप में से इनमें से अधिकतर चीजें हैं, चार हैं, तीन हैं, तो भी आप टीचर बन सकते हैं, पर अगर ये पांच नहीं है तो प्लीज टीचर नहीं बनना, ठीक है। अब एक टीचर के पास क्या जिम्मेदारी होती है? एक शिक्षक के पास बच्चों को सिर्फ अपने परिवार को पालने की जिम्मेदारी नहीं है, अपनी तनख्वाह, अपने ट्यूशन के पैसे, अपना जो भी पारिश्रमिक मिलता है उससे अपने परिवार का भरण पोषण जैसे बाकी दुनिया करती है, वो उसकी जिम्मेदारी मात्र नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है बच्चों में व्यवहार का विकास, यानी वो जो किताब स्कूल में उसको मिलती है टीचर को, वो किताब पढ़ के बच्चों के दिमाग में डाल देना ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जैसा कि ज्यादातर होता है, और जहां ये होता है वो असफल शिक्षण है। तो आपको तो सफल शिक्षण बनना है, सफल शिक्षक बनना है, तो सफल शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों जो किताब में लिखा हुआ है वो उसके व्यवहार में आए, व्यवहार का विकास हो, बच्चों के चरित्र का विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, उनमें हुनर पैदा हो, कौशल पैदा हो, जिस हुनर के बल पर वो समाज को कुछ अपनी सेवाएं दे सके, जिससे समाज उनको उनकी आजीविका का साधन दे सके, और इस प्रकार एक राष्ट्र का निर्माण हो। यानी किताब पढ़ाने से लेकर राष्ट्र के निर्माण तक की जिम्मेदारी एक शिक्षक के कंधों पर है, और ये बहुत ही रुचिकर विषय है, बहुत ही रुचिकर करियर है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर इस करियर में जाएं। अब जाएं तो कैसे जाएं, रास्ते क्या है? यानी आपको अगर आपको जिम्मेदारी भी समझ में आई और आपको ये भी समझ में आया कि मेरे अंदर वो खूबियां भी हैं जो एक शिक्षक में होनी चाहिए, तो फिर अब आप शिक्षण के क्षेत्र में जा सकते हैं। अब जाएंगे तो उसके दो रास्ते हैं, वही जो हमने पिछली क्लास में बात की। यानी एक, बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ रहे तो भी टीचर बन सकते हो, छोटे बच्चों को टीचर बन सकते हो, और बड़े बच्चों के टीचर बनना है तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब छोटे बच्चों के टीचर के लिए वोकेशनल करियर और बड़े बच्चों के लिए प्रोफेशनल करियर। तो अब वोकेशनल मतलब कम पढ़ के भी आप टीचर कैसे बने, इस पर चर्चा करते हैं। इसके कितने ऑप्शन हैं? इसके 5-6 ऑप्शन मोटे मोटे हैं। यानी आप नर्सरी का टीचर बन सकते हो, एलिमेंट्री टीचर बन सकते हो, प्राइमरी टीचर बन सकते हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर में जा सकते हो, लाइब्रेरी असिस्टेंट में जा सकते हो। तो इनको एक एक करके बच्चों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा नर्सरी टीचर। यानी नर्सरी टीचर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो नर्सरी स्कूल है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल बच्चों को 3 साल से ऊपर यानी 3.5 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, पर 3.5 साल का बच्चा अभी पढ़ने में उतना समर्थ नहीं होता। तो घर के आसपास छोटे छोटे स्कूल आपने देखे होंगे, शहरों में तो है ही, गांव में भी आजकल शुरू हो गए हैं, जहां बड़े गांव है वहां नर्सरी या प्ले स्कूल हैं। तो उनमें क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को नर्सरी क्लासेस में पढ़ने भेजते हैं, नर्सरी प्रैप। तो वो टीचर जो बहुत छोटे बच्चों को केयर करते हैं, वहां पढ़ाने से ज्यादा उनको केयर करनी, बैठना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, आपस में मिलजुल के रहना सिखाया जाता है। तो ये उनको पिक्चर्स दिखाई जाती है। तो यानी वो छोटे बच्चे जब वो पहली बार स्कूल जा रहे हैं, उसको नर्सरी बोलते हैं, नर्सरी क्लासेस। तो नर्सरी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं उन्हें हम नर्सरी टीचर बोलते हैं,
यानी नर्सरी क्लास को पढ़ाने वाले टीचर। अब नर्सरी क्लास को पढ़ाने वाले टीचर्स बनते कैसे? तो नर्सरी क्लास को पढ़ाने वाले टीचर के लिए हमें पहले कम से कम 12th होना चाहिए, 12वीं क्लास पास आपको स्कूली शिक्षा में होना चाहिए, और कहीं कहीं बहुत एक दो कॉलेज ऐसे हैं जो 10वीं क्लास से भी एनटीटी चलाते हैं, पर 12वीं हो तो बहुत बेहतर है, 12वीं से ही जाएं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। तो उसके बाद आपके आसपास के बड़े कस्बे या शहर में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, यानी कोचिंग और इंस्टीट्यूट होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जहां पर आप अप्लाई करके नर्सरी टीचर ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ये एक साल का कोर्स होता है। एक साल का कोर्स आप करने के बाद आपको वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा, और 5000 के आसपास कहीं थोड़ी बहुत, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है तो फीस ज्यादा होगी, और इंस्टीट्यूट अगर अदरवाइज 5000 के आसपास फीस लगती है। इसमें आपको इतनी फीस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस कम है, बहुत कम है, ना के बराबर फीस है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। इनमें से किसी से भी आपने नर्सरी टीचर्स की ट्रेनिंग की, सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद किसी स्कूल में आप अप्लाई करके नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बन सकते हैं, यानी आपने अपने शिक्षण के क्षेत्र में पहला कदम रख दिया। और अगर मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपने वहां शिक्षण में अपने आप को अच्छी तरह लगा दिया, समर्पित किया और आपको आनंद आने लगा, तो असीमित संभावनाएं हैं आपके जीवन के लिए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर मैंने देखे हैं नर्सरी टीचर्स में, इतनी केयरिंग है जो बहुत आगे तक जाते हैं। तो आप नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट इसको प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग बोलते हैं, कहीं कहीं इसको मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग बोला जाता है, यानी पर्पज वही है। प्री प्राइमरी यानी प्राथमिक स्कूलों से पहले, प्राथमिक शिक्षा पहली क्लास से शुरू होती है, उससे पहले की जो शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा है। तो प्राथमिक शिक्षा में मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग हुई, या आपको प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग हुई, या एनटीटी हुई, इन तीनों में से कोई एक कोर्स करेंगे। एक साल के आसपास के कोर्स होते हैं, आपने किया और किसी स्कूल में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अनुभव ग्रहण किया, और फिर अपने को आगे अपग्रेड कर सकते हैं, यानी फिर आगे कोई आप डिग्री करें, कोई और एजुकेशन में डिप्लोमा लें, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार आप, ये पहली सीढ़ी है शिक्षण के क्षेत्र को जुड़ने की। उसके अलावा दूसरे टीचर होते हैं एलिमेंट्री टीचर। अब एलिमेंट्री का मतलब शुरुआती, शुरुआती शिक्षक। अब शुरुआती शिक्षक भी, ये भी वोकेशनल करियर है, ये 2 साल का कोर्स होता है। यानी अब आप क्या करेंगे, छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी आप 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एलिमेंट्री का मतलब अब थोड़ी सी आपने पोजीशन अप कर ली। अब पोजीशन अप कैसे हुई, क्योंकि जो 1 साल में एनटीटी में पढ़ रहे थे और ये कोर्स 2 साल का है, अब इसमें जब आप एलिमेंट्री टीचर बनेंगे तो इसको बनने से पहले आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा। तो 2 साल के कोर्स में आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी जो एलिमेंट्री लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक है, यानी वो साइकोलॉजी, वो पेडागोगी, ये टर्म जो है, ये नाम शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। बच्चों का मनोविज्ञान कैसा होता है, शिक्षा शास्त्र कैसे होता है, शिक्षा दी कैसे जाती है, लेसन कैसे बनते हैं, लेसन प्लान कैसे बनते हैं, डिलीवरी कैसे होती है, तो ये सारी चीजें 2 साल के कोर्स में आपको सिखाई जाती है। अब ये 2 साल का जो कोर्स है, ये कौन कौन से कोर्स है, तो ये मुख्य कोर्स है। पहला है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा, ये डिप्लोमा कोर्स होते हैं, वो भी डिप्लोमा कोर्स ही, वो सर्टिफिकेट कोर्स था नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का, ये डिप्लोमा कोर्स है। तो इस डिप्लोमा कोर्स में क्या करेंगे आप डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड 2 जगह से होता है मेन, एक तो नेशनल ओपन स्कूल कराता है, नेशनल ओपन स्कूल एक पूरे राष्ट्र की संस्था है, वहां से आप फॉर्म भर के, 12वीं करने के बाद फॉर्म भरे, और वो आपको कराएगा ओपन फॉर्म में, कई इंस्टीट्यूट में आपकी कुछ क्लासेस कुछ दिन की लगती हैं, और फिर ओपन फॉर्म में आपको कराएगा। आप वहां से कर सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन, एजुकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट होते हैं, डाइट बोलते हैं उसे, तो हर एक जिले में कम से कम एक डाइट है, आप, और डाइट की वेबसाइट है, आप वहां अप्लाई करके, जब भी आपकी 12वीं पास होती है आप वहां अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आपको वहां
डाइट में एडमिशन मिलेगा और उस एडमिशन के आधार पर आप 2 साल पढ़ाई करेंगे, ये एक ऑप्शन है। दूसरा है डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। और ये डीएड जो है ये गवर्नमेंट, ये नायोस और डाइट दोनों गवर्नमेंट की संस्थाएं थी। अब डीएड क्या होता है, ये प्राइवेट भी होता है, डीएलएड भी प्राइवेट होता है, यानी बिल्कुल मिलते जुलते से कोर्स है ये। तो कहीं इसका नाम डीएलएड रखा होता है, कहीं इसका डीएड रखा होता है, तो ये प्राइवेट में भी होता है, गवर्नमेंट में भी होता है। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं आप, या डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, यानी प्री स्कूल, स्कूल से पहले नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के पैरेलल होता है, या फिर डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन। अगर आपकी कला अच्छी है, डिजाइन अच्छी है, आर्ट अच्छी है, तो आप डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन ले लो और उसके बाद आर्ट टीचर बन जाएंगे आप, यानी एलिमेंट्री क्लासेस का, छोटी क्लासेस बच्चों को पढ़ाने के लिए आप आर्ट टीचर बन सकते हैं। इस प्रकार आप एलिमेंट्री टीचर, यानी ये दूसरा स्टेप है, दूसरा तरीका है, दूसरा विकल्प है। 12वीं के बाद हम जिक्र कर रहे हैं कि 12वीं के बाद ही आप शिक्षक कैसे बन सकते हैं, तो 12वीं के बाद 1 साल का डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा आप करके शिक्षक बन सकते हैं। ये 2 तरीके थे। तीसरा तरीका हमारे पास है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट वर्कर, यानी कोई 12वीं नहीं कर पाया पर मन बड़ा है बच्चों को पढ़ाने का, बड़ा अच्छा लगता है, घर में भाई बहनों को पढ़ा लेती है बच्ची, या भाई भाई बहनों को पढ़ा लेते हैं बच्चा, और वो पर घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो आगे पढ़ नहीं सकते, 10वीं पास की, अब क्या करें, पढ़ाने का बड़ा मन है, तो आप तब भी पढ़ा सकते हो। सरकार ने देखो क्या इंतजाम किए, सरकार ने क्या किया, एक सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया जिसको बोलते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इसलिए कि सरकार ने एक फ्रेमवर्क बना दिया कि अगर कोई करना चाहता है ये काम और उसके पास वो पूरी शिक्षा नहीं है, तो आपका मन अगर हो करने का, देखो अब अंदर जज्बा है तो सरकार ऑप्शन दे रही है, जज्बा अंदर है पर आपको शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो सरकार ने कहा अच्छा आओ आप अपने मन के आधार पर अपनी तैयारी करो और आप पढ़ाना शुरू करो, तो आप क्या करोगे, फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट वर्कर बन जाते हो, यानी जहां बच्चे पढ़ते हैं उनको सहयोग कर सकते हो, टीचर का सहायक बन सकते हो, बच्चों की केयर कर सकते हो। जैसे नर्सरी स्कूल में एक टीचर होगा, एक सहायक होगा वहां, तो जो टीचर होगा वो 12वीं के बाद एनटीटी करके आया या डीएलएड करके आया या प्री स्कूल डिप्लोमा किया, अब जो सहायक होगा उसको भी तो बच्चों को बढ़ते हुए उनको हेल्प करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई शिक्षा होनी चाहिए उसकी। तो अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आप 10वीं के बाद ही रोजगार पा जाएंगे किसी विद्यालय में, और या फिर NSQF करने के बाद सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं कि जो लोग बचपन में नहीं पढ़ सके और वो अब अगर उनको पढ़ाना है तो वहां जाके उन योजनाओं में सार्थक हो सकते हो। कहीं जैसे कोई ऐसी बस्ती है, कोई झुग्गी बस्ती है जहां बच्चे नहीं पढ़ रहे और वो स्कूल तक नहीं जा सकते, तो आप वहां जाके वहीं कुछ ऐसा इंतजाम करके किसी एक जगह पर उन बच्चों को पढ़ा सकते हो। उसके बदले सरकार जो अपनी योजना चलाती है वहां से आपको पारिश्रमिक मिल सकता है, या आप वहां से भी जहां आप पढ़ा रहे हो वहां से छोटी छोटी फीस लेके आपको रोजगार मिल जाएगा और उन बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, और आपको ये पुण्य मिलेगा कि आपने इस देश के इतने जीवनों के जीवन, इतने जिंदगियों के जिंदगियों में प्रकाश भरा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये MSDE आपको एक कोर्स चलाती है NSQF लेवल 4 सर्टिफिकेट, इंटरनेट पे इसको सर्च कर सकते हैं आप, यहां जाके ये कोर्स करके आप अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में आप सहायक बन सकते हैं, और शिक्षण का काम भी प्राथमिक लेवल का, यानी उन लेवल्स पर जो चाहिए वो कर सकते हैं। अगला है प्राइमरी टीचर। अब एलिमेंट्री टीचर और प्राइमरी टीचर लगभग सिमिलर है, दोनों को समान मान सकते हो आप, बहुत ज्यादा भेद इसमें नहीं है। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री का मतलब भी शुरुआती शिक्षा, दोनों में बराबर। प्राथमिक का मतलब पहली से पांचवी, तो पहली से पांचवी तक के टीचर्स बनने के लिए अब आपके पास क्या होता है, गवर्नमेंट एक कोर्स करती है, डीएलएड जिसको कह दिया है आजकल, BTC कहते हैं, STC कहते हैं, ऐसे करके कोर्स होता है।
हमारे राजस्थान में वो कोर्स होता है उसको हम एसटीसी बोलते हैं, किसी राज्य में उसको बीटीसी बोलते हैं, अब उसको डीएलएड कह दिया गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या कहीं उसको डिप्लोमा इन एजुकेशन कह दिया गया है, पर वो तीनों चीजों का मतलब लगभग एक ही है। तो जो सरकार आपके 12वीं पास करने के बाद फॉर्म भरवाती है, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद टेस्ट होगा, और टेस्ट देख के जो लोग मेरिट में आएंगे उनको राज्यवार, जिलेवार, यानी जिलेवार राज्य का, राज्य के स्तर का ये कोर्स टेस्ट होता है, उसमें जिलेवार जो इंस्टीट्यूट है उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। अब आपको इसमें एडमिशन मिल गया, 2 साल का कोर्स किया आपने, क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद आपने योग्यता हासिल की है, अब इस योग्यता के आधार पर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में नौकरी कर सकने की योग्यता आपने हासिल कर ली, पर गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए यानी सरकारी शिक्षक बनने के लिए, प्राथमिक शिक्षक, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी राज्य सरकार ने एक टेस्ट बनाया है जिसमें शैक्षणिक योग्यता परीक्षण बोलते हैं उसे, टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो हर साल टेस्ट होता है, आप वो टेस्ट दें, अगर उस टेस्ट में क्वालिफाई कर गए तो आप अगले 5 या 7 वर्ष तक, आप उसके आधार पर जब जब राज्य सरकार की नौकरियां निकलेंगी, रिक्तियां निकलेंगी, आप अप्लाई करोगे, आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन थी और आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है, दोनों को क्वालिफाई करके आप रखें और फिर अप्लाई करें, आपका नंबर आएगा तो आप गवर्नमेंट में टीचर लग सकते हैं, प्राथमिक टीचर। तो प्राथमिक टीचर सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, सरकारी के लिए आपको टीईटी देना ही पड़ेगा, कुछ अच्छे स्कूल जो हैं प्राइवेट वो भी टीईटी मांगते हैं कि अगर आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है तो ही आपको लेंगे, तो टीईटी देना आपको बहुत जरूरी है और देना भी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर की योग्यता का परीक्षण आप पूरा नहीं कर पाए तो आपको शिक्षण कार्य करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप में वो ज्ञान तो पनपा ही नहीं, अगर ज्ञान पनप गया होता तो आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाते, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो एक ये ऑप्शन हुआ। इसके बाद प्राइमरी टीचर के बाद है स्पेशल एजुकेटर, यानी स्पेशल एजुकेटर क्या होता है, स्पेशल एजुकेटर उसको बोलते हैं जो विशेष तरह की शिक्षा देता है, जो हमारी नॉर्मल शिक्षा जो हम पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जो हम देख रहे हैं रोज, ये सामान्य शैक्षणिक प्रक्रिया है कि हम जाते हैं पढ़ते हैं, सामान्य बच्चे जाते हैं, सामान्य शिक्षक होता है, परंतु ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सामान्य क्लास में नहीं बैठ सकते, जैसे जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, जिनकी आंखें नहीं है, वो आपके साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते, जो बच्चे सुनते नहीं हैं वो आपकी कक्षा में बैठ के नहीं पढ़ सकते, जो बच्चे बोलते नहीं हैं उनको आपका ऐसे पाठ्यक्रम काम नहीं आएगा, या जो बच्चे किसी और रूप से असहाय हैं या विकलांग हैं और वो सामान्य रूप से शिक्षा नहीं ले सकते, या बच्चे मंद बुद्धि हैं यानी उनकी बुद्धि का विकास जिस प्रकार सामान्य बच्चों का है उससे कहीं कम है, तो वो बच्चे सामान्य बच्चों की कक्षा में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो इन बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम होता है और उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने की ट्रेनिंग भी विशेष होती है, तो फिर उसका एक 2 साल का डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो वो स्पेशल एजुकेशन अलग अलग तरह की है, सेरेब्रम पाल्सी है, सेरेब्रम पाल्सी का मतलब मंद बुद्धि कह सकते हो आप, जिसमें ब्रेन से संबंधित कमी हो मोटे मोटे तौर पर अगर हमें सोचे, या सुनने की दिक्कत हो, या बोलने की दिक्कत हो, देखने की दिक्कत हो, इनके अलग अलग डिप्लोमा हैं। तो उस डिप्लोमा को करने के बाद आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हो, और अलग अलग स्कूल हैं, जैसे ब्लाइंड बच्चों के स्कूल हैं तो आप वहां नौकरी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे हियरिंग इंपेयरमेंट वालों के स्कूल होते हैं वहां आप कर सकते हो, तो इस प्रकार। और वो कब कर सकते हैं, ये 10th और 12th के बाद डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। और इसके इंस्टीट्यूट भी अलग अलग हैं, राज्य में इंस्टीट्यूट हैं वो अलग अलग हैं, तो आप इन इंस्टीट्यूट को तलाश के आप इंटरनेट पर तलाश सकते हैं, हमारे पोर्टल पर तलाश सकते हैं, इस प्रकार आप वोकेशनल करियर टीचिंग में
ढूंढ सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन आता है कि जहां जहां विद्यालय हैं, बड़े विद्यालय, वहां एक लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होता है। तो पुस्तकालय में, छोटे पुस्तकालय में एक या दो व्यक्ति जरूर होते हैं। एक तो वो जो पुस्तकों का हिसाब रखते हैं, एक वो जो पुस्तकों पुस्तकाध्यक्ष जो पुस्तकालाध्यक्ष है, जो लाइब्रेरियन है, उसकी हेल्प करता है, उसका सहायक है। तो उसका सहायक बन सकते हो कि आपने 10th या 12th की, उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में या डिप्लोमा किया, या फिर ITI किया, ITI भी है लाइब्रेरी साइंस में, या फिर एक साल का आपने, अभी जो बात की थी हमने नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, वहां से लेवल 5 सर्टिफिकेट होता है। यानी या तो डिप्लोमा किया हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, या ITI किया हमने लाइब्रेरी साइंस में, या फिर हमने सरकारी जो एक नियम है ओपन NSQF मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वाला, वहां से लेवल 5 सर्टिफिकेट ले लिया। और लेने के बाद अब जहां जहां विद्यालयों में जगह निकलती है लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी असिस्टेंट की, वहां हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये लाइब्रेरी असिस्टेंट अगर एक डिप्लोमा और कर ले भविष्य में, तो ये लाइब्रेरियन के लिए भी अपग्रेड हो सकते हैं उनके काम की गुणवत्ता के आधार पर। तो ये बच्चों कुछ ऑप्शंस थे जिनके आधार पर हम अपने 10वीं या 12वीं के बाद शिक्षण में करियर बना सकते हैं। अब इसके बारे में और विशेष डिटेल अगर आपको देखनी है तो बहुत सरल है कि आप हमारे पोर्टल पर जाएंगे, आपके पास पोर्टल है, और पोर्टल पे यह आपको सामने दिखाई देगा। यहां जाते ही आप जानकारी केंद्र पर जाएंगे, और जानकारी केंद्र में जिस प्रकार हमने पिछली दो बार देखा था, जानकारी केंद्र में करियर संबंधी जानकारी पर क्लिक करेंगे, तो बच्चों यहां आपको दो विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प है वोकेशनल प्रोफेशनल करियर, और दूसरा वोकेशनल। तो अभी हम वोकेशनल की बात कर रहे हैं, तो वोकेशनल पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको नीचे मिलेगा शिक्षा और शिक्षण। तो शिक्षा और शिक्षण में नीचे देखेंगे नर्सरी शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, प्रारंभिक शिशु देखभाल, यानी वो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो था उसका ये हिंदी नाम है, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, ये 6 ऑप्शन आपके हैं। अब इस 6 ऑप्शन में आप इनमें से किसी में भी, जैसे नर्सरी शिक्षक को बटन दबाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि आप नर्सरी शिक्षक के बारे में, वो क्या होता है, क्या पढ़ना पड़ता है, जो भी हमने जिक्र किया वो आपको यहां भी लिखा मिलेगा, कितनी तरह से बना जा सकता है, उसके बाद उसमें कितना खर्चा आता है, आप देखेंगे 5-10 हजार इसमें खर्चा है, और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि ये ज्यादा भी हो सकता है, शिक्षा पूरी करने में कितने वर्ष लगते हैं ये लिखा हुआ है, और इसका भविष्य क्या है। तो आपको शुरुआती स्तर पर आपको जो प्रोग्रेस है, जो आपकी प्रोस्पेरिटी है, वो धीरे होगी, पर आपके काम की गुणवत्ता के आधार पर आप बहुत आगे जा सकते हैं। कॉलेज और विद्यालय कहाँ कहाँ होंगे वो आप यहाँ बटन दबाएंगे तो ये देखिए, राजस्थान के बहुत सारे कॉलेजेज आपके पास, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर में ला दिए इन्होंने, अर्ली चाइल्डहुड केयर में ये 2 इंस्टीट्यूट ला दिए, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको यहाँ से मिल सकते हैं। आप यहाँ से सारा हटाएंगे, क्लियर ऑल किया, और आपने यहाँ वोकेशनल ढूंढा, कंट्री ढूंढी, कंट्री इंडिया। आपके बाएं हाथ की तरफ आप देखेंगे तो यहां आपको टिक करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। फिर मुझे चाहिए राजस्थान, तो मैं राजस्थान लिखूंगा, इसमें ढूंढा, मैंने राजस्थान लिख दिया। तो ये इसने इतने सारे, जहां जहां डिप्लोमा हो सकता है राजस्थान में, वो सारे कॉलेजेज आप देखें आपके लिए ला दिए, कहाँ कहाँ सर्टिफिकेट कोर्स है, कहाँ कहाँ डिप्लोमा कोर्स है, इनमें कैसे एडमिशन होता है, आप यहाँ से इस पर बटन दबाएंगे, ये सारी डिटेल्स आपको ला देंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम सीख पाए आज कि वोकेशनल करियर हमारे पास कौन कौन से हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिनमें हम 10वीं या 12वीं करने के बाद
किस प्रकार हम अपना करियर इस क्षेत्र में बना सकते हैं। तो ये छह ऑप्शन हमने मोटे मोटे डिस्कस किए, इनमें से कोई एक आप अपने रुचि और सुविधानुसार आप चूज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है मुझे नहीं, शिक्षण तो करना है और आगे पढ़ के करना है, और बड़ा पढ़ के करना है, ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा प्रगति करनी है, यानी मेरे पास, मेरे परिवार के पास गुंजाइश है, मेरे पास संसाधन है, सुविधाएं हैं, धैर्य है कि मैं और आगे पढ़ूं और शिक्षण के क्षेत्र में बड़ा काम करूं। तो अगर उनको बड़ा काम करना है तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास और ज्यादा ऑप्शन है। तो इनके पास क्या ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन होता है TGT, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, लेक्चरर प्रोफेसर, काउंसलर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट, एजुकेशनल रिसर्च फेलोशिप, एजुकेटर, ट्रेनर, एजुकेशन ऑफिसर, इतने सारे ऑप्शंस इसमें हैं, एजुकेशन रिसर्चर, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते जाते हैं। यानी पहला ऑप्शन है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जैसा कि नाम बता रहा है, ट्रेंड का मतलब प्रशिक्षित, ग्रेजुएट का मतलब जिसने स्नातक किया हो, और शिक्षक, तो एक ऐसा शिक्षक जिसने बेसिक एजुकेशन बैचलर डिग्री की हो, यानी स्नातक, 12वीं के बाद 3 साल की एक डिग्री किसी एक विषय में की, कोई भी विषय हो सकता है, जो विषय उसने पढ़ा 3 साल में, उसमें से किसी भी एक स्ट्रीम में, आर्ट्स में किया, साइंस में किया, कॉमर्स में किया, मैनेजमेंट में किया, किसी भी एक विषय में उन्होंने 3 साल की डिग्री की, या कोई 4 साल की डिग्री की, बहुत सारी डिग्री 4 साल की भी होती है, तो वो करने के बाद फिर आपको एक डिग्री करनी पड़ती है, एक बैचलर डिग्री एजुकेशन में, और एजुकेशन में जो डिग्री है वो 2 साल की है, बैचलर डिग्री 3 साल और उसके बाद एक एजुकेशन में डिग्री 2 साल, तो 5 साल की डिग्री 2 हो गई, तब आप उसके बाद एक TET टेस्ट, जो भी हमने जिक्र किया था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी पहले BA किया या BSc किया या BCom किया या BVOC किया या BTech किया, BTech करके भी लोग टीचर बन रहे, उसके बाद फिर आपने BEd किया, बैचलर इन एजुकेशन, 2 साल और 3 साल की डिग्री, 5 साल हो गए, फिर आपने तैयारी की, जो राज्य स्तरीय एक पेपर होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर उसको क्वालिफाई कर गए तो आप टीचर बनने की क्षमता रखते हैं, नहीं तो आप अपना रास्ता दूसरा देखेंगे जो आपकी रुचि का हो। तो आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देके अब आप बन गए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बहुत सारी वेकेंसी राज्य सरकार की निकलती है और सारी राज्य सरकारों की निकलती है, आप अपने राज्य में अप्लाई कर सकते हो, दूसरे राज्य में भी अप्लाई कर सकते हो, अपने राज्य में नौकरी लगने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि सीट राज्य के ही बच्चों के लिए, राज्य के ही उम्मीदवारों के लिए ज्यादा होती है, बाहर वालों के लिए परसेंटेज कम होती है, तो आप कर दोनों ही जगह सकते हो, अथवा आप किसी अच्छे विद्यालय में बच्चे पढ़ा सकते हैं, जाके शिक्षण कार्य शुरू कर सकते हैं। अब यही एक और ऑप्शन आया है हाल ही में कि ये जो 5 साल लग रहे थे 2 डिग्रियां करने में, तो सरकार ने क्या किया, इसको इकट्ठा कर दिया, एक इंटीग्रेट कोर्स बना दिया और उसको बोला BLED, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये कोर्स 5 की बजाय 4 में हो जाएगा, 4 साल, 1 साल बच गया। अब 1 साल बच गया तो उसके बाद आप TET दे दोगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और देते ही फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जो आप 5 साल का कोर्स करके पहुंच रहे थे। तो 5 की बजाय 4 हो गया, तो BLED के टेस्ट से एडमिशन होता है 12वीं के बाद ही, यानी फिर आपको एक ही बार में टेस्ट देके एडमिशन लेना पड़ेगा और आप पूरा एक संयुक्त कोर्स करके निकलोगे जिसमें आपका बैचलर भी होगा, स्नातक भी होगा और शिक्षा में स्नातक होगा। ये कोर्स ही शिक्षा में स्नातक है, इसलिए इसको 4 साल किया गया। तो इस प्रकार हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं और इसमें बहुत ऑप्शन है, सरकारी नौकरियों में बहुत अच्छे तनख्वाह भी ठीक है, और प्राइवेट अगर आपने किया है, प्राइवेट स्कूल में शिक्षण कर रहे हो, वहां भी ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। दूसरा ऑप्शन है PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कौन से टीचर होते हैं जो अब
बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं। यानी बड़ी क्लास कौन सी हुई, जिसमें नाइन्थ हुई, टेंथ हुई, इलेवेंथ हुई, ट्वेल्थ हुई, और इन क्लासेस को पढ़ाने के लिए जो प्राइमरी टीजीटी था वो आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ध्यान देना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आठवीं से ऊपर के बच्चों को चाहिए तो वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कौन होता है कि वो बैचलर जो डिग्री की थी बीए बीएससी बीकॉम, उसके साथ अब इसे मास्टर डिग्री और की, यानी दो साल की मास्टर, उस एक विषय में मास्टर बना जिस विषय को बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जैसे गणित पढ़ाना है दसवीं में या बारहवीं में, तो वो उसने मास्टर डिग्री की हुई होगी गणित में। मास्टर डिग्री करने के बाद फिर बीएड किया, यानी फिर एजुकेशन में स्नातक किया कि बच्चे पढ़ाने कैसे, वो तो पढ़ाना क्या है ये सीख लिया आपने मास्टर डिग्री में, पर पढ़ाने कैसे है ये सीखते हैं बैचलर इन एजुकेशन में, और या शिक्षा के क्षेत्र में जो डिग्री या डिप्लोमा करते हैं उसमें पढ़ाने कैसे है? पढ़ाना क्या है वो आपने आधारभूत जो शिक्षा ली, बैचलर लिया, ट्वेल्थ लिया और मास्टर्स लिया, उसमें सीखा। तो यहां मास्टर सीखा, मास्टर क्यों किया, क्योंकि बड़ी कक्षा के बच्चों को पढ़ाना है तो आपके विषय में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए आपको। तो विशेषज्ञता हासिल की, उसके बाद आपने शिक्षा में बैचलर किया, फिर आपने पर टेस्ट जो शैक्षणिक योग्यता वाला टेस्ट है टीईटी, वो इनको भी पास करना पड़ता है, और पास किया करने के बाद फिर सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में दोनों जगह ही ये जा सकते हैं, और इस प्रकार आप पीजीटी बन सकते हैं। पीजीटी की तनख्वाहें, पीजीटी के जो कमाई है, पीजीटी को मिलने वाला जो पारिश्रमिक है वो टीजीटी से ज्यादा होता है, यानी पिछले वाले सबसे टीजीटी का ज्यादा था, टीजीटी से पीजीटी का ज्यादा है। तो इस प्रकार हम पीजीटी कर पाए। अब देखिए, शिक्षण में हम शुरू हुए छोटे बच्चों से लेकर, और छोटे बच्चों से अब तक पहुंच गए हम बारहवीं तक। अब बारहवीं से बड़े बच्चों को भी तो पढ़ाना पड़ता है, उनको भी तो कोई पढ़ाता है। उनको पढ़ाने के लिए कौन होगा, उनको हम बोलते हैं लेक्चरर या प्रोफेसर। कई बार स्कूलों में ग्यारहवीं बारहवीं पढ़ाने वालों को भी लेक्चरर बोलते हैं, ठीक है, पर वहां हम पीजीटी ही बोलेंगे। वो पीजीटी जो टीचर हैं वो वही काम करते हैं, कहीं कहीं उनको लेक्चरर कह दिया जाता है, बट एक्चुअली लेक्चरर या प्रोफेसर वो हैं जो बारहवीं के बाद जितने कॉलेज हैं उनमें पढ़ाते हैं। अब लेक्चरर प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक डिग्री और एड करनी पड़ेगी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने की MA, MSc, MCom, M जिसके आगे लग गया वो हुई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी परास्नातक डिग्री, और B जिसके आगे लग गया वो होती है स्नातक डिग्री। तो स्नातक 3 साल की होती है, परास्नातक 2 साल की होती है। तो यहां अगर आपको लेक्चरर प्रोफेसर बनना है बच्चों, तो आपको परास्नातक करनी पड़ेगी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूरे देश की एक संस्था है, उस संस्था का एक टेस्ट होता है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय योग्यता परीक्षण, तो उस टेस्ट को पास करना पड़ता है। यूजीसी का नेट परीक्षा है, यूजीसी कराती है एक टेस्ट, जैसे वहां कर रहे थे हम टीईटी, अब इनको टीईटी नहीं करना, टीईटी करना था राज्य सरकार कर रही थी, क्योंकि राज्य सरकार के स्कूलों में पढ़ाना था, पर अब ये राष्ट्रीय सरकार की बात है, यानी राष्ट्र की सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो अब क्या करेगी, ये अपना टेस्ट लेगी और उसको बोलते हैं यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट नेट देने के बाद एक ये टेस्ट दिया। अभी हाल ही में एक परिवर्तन हुआ है कि 2021 से वही लोग लेक्चरर प्रोफेसर होंगे जो अपने विषय के ज्ञाता होंगे, डॉक्टर होंगे, तो उनको एक डिग्री और करनी पड़ेगी पीएचडी। पीएचडी एक ऐसी डिग्री होती है जो अपने विषय में अनुसंधान या रिसर्च करके बनते हैं लोग। तो आपको मास्टर्स के साथ पीएचडी करनी, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो करके फिर आप किसी स्कूल में लेक्चरर, किसी कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर लग सकते हैं
यूनिवर्सिटी में लग सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। तो इस प्रकार आप लेक्चरर प्रोफेसर यानी बड़े कॉलेजेज में पढ़ाना है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है, तो आपको मास्टर्स प्लस पीएचडी प्लस यूजीसी करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा बड़े बच्चों को पढ़ाने का। अब इसके साथ साथ शिक्षा में और भी कई ऑप्शन है, कई विकल्प है, क्या क्या बन सकते हैं आप बन सकते हो एजुकेशन काउंसलर, करियर काउंसलर। जितने भी बड़े स्कूल हैं, सरकारों ने उनको हिदायत दे दी है, एक नियम बना दिया है कि वहां एक ऐसा शिक्षक होगा जो बच्चों के मनोभाव समझेगा। स्कूल में बाकी सारे शिक्षक आपको कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, एक ऐसा शिक्षक होगा जो बच्चों की परेशानी समझे और उसके समाधान निकाले, जो शिक्षा से संबंधित भी हो सकती है, उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित भी हो सकती है, उसके पारिवारिक जीवन से भी संबंधित हो सकती है, उसकी मानसिक स्थिति से संबंधित हो सकती है, उसकी शारीरिक स्थिति से संबंधित हो सकती है, और भी किसी जीवन के पहलू से संबंधित। अगर वो बच्चा अपने को असहज महसूस कर रहा है तो वो शिक्षक उस बच्चे तक पहुंचे, या वो बच्चा वहां तक या दूसरे शिक्षक वहां तक पहुंचाए और वो उसके जीवन में उस समस्या समाधान, उसको बोलेंगे एजुकेशनल काउंसलर। और इसके लिए करनी पड़ती है आपको मास्टर डिग्री, परास्नातक डिग्री, किसी भी विषय में आपने डिग्री की, उसके बाद साइकोलॉजी में आपने मनोविज्ञान में परास्नातक 2 साल की डिग्री की। तो 12वीं के बाद 3 साल स्नातक और 2 साल परास्नातक करने के बाद आप बनेंगे स्कूल काउंसलर, एजुकेशनल काउंसलर। वहीं अगर आपने बच्चों को करियर संबंधी जानकारी देने के लिए, आप में ऐसा जैसा आज मैं आपके साथ कर रहा हूं कि कहां कहां करियर बन सकते हैं, अगर आपने करियर के बारे में किसी को गाइडेंस देना है और उसको अपने जीवन में अपना पेशा बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप करियर काउंसलिंग में स्नातक डिग्री के बाद डिप्लोमा या डिग्री इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस होती है, आपने वो किया, वो करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर किसी स्कूल में अप्लाई करेंगे या आप अपना स्वतंत्र रूप से आप अपनी सेवा शुरू कर सकते हैं, लोग आपको आएंगे, आपको पैसे देंगे, आपकी सेवा लेंगे। तो इस प्रकार आप बन सकते हैं एजुकेशनल काउंसलर, करियर काउंसलर। तो एक ऑप्शन भी भारत में बहुत उठ रहा है, क्योंकि बच्चों के मन की बात तो समझता ही नहीं था ना कोई, या सारे बच्चे अपनी बात शिक्षकों तक नहीं कह सकते, डरते हुए नहीं बताते या घर में भी नहीं बताते, तो वो बच्चे बच्चियां किसको बताएंगे, एक ऐसे व्यक्ति को जो उनकी बात किसी को सीधे सीधे नहीं बताएगा, उनको डरने की जरूरत नहीं है और उनकी जिंदगी में उस चीज का वो समाधान कर देगा, सिंपल। तो ये इस प्रकार हम बन सकते हैं एजुकेशनल या करियर काउंसलर। उसके बाद बच्चों एक ऑप्शन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट। अब जितने भी आज आप मेरे को सुन रहे हो, मैं आपके सामने तो नहीं बैठा, मैं कहीं बैठा हूं और आप मेरे से चीजें सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो मैं शिक्षण कर रहा हूं ना, पर तकनीकी शिक्षण कर रहा हूं, एक तकनीक का सहारा लेके कर रहा हूं। तो इस तकनीक को किसने इजाद किया, कौन इस तकनीक को आप तक पहुंचाता है, जो तकनीकी विशेषज्ञ हो और शिक्षा का भी विशेषज्ञ हो, समझना, शिक्षा की सेवा दे रहा है, तकनीक किस से सेवा दे रहा है, तो आपको शैक्षणिक तकनीकी सेवा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें भी बड़ा भविष्य है। जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाई हो रही हैं, ये सब किससे हो रही है, तकनीक के आधार पर हो रही है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको स्नातक डिग्री तकनीकी में करनी पड़ेगी, यानी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, 4 साल की इंजीनियरिंग, उसके बाद उसका जो परास्नातक डिग्री होगी एमटेक, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी फिर आपने एजुकेशन का अध्ययन किया, पहले आपने इंजीनियरिंग का, तकनीक का अध्ययन किया, 6 साल की इस पढ़ाई में 12वीं के बाद आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट बन गए। अब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, सरकार को ज्वाइन कर सकते हो, अपना काम शुरू कर सकते हो, इस प्रकार आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो बीटेक के लिए इंडिया में बहुत सारी कॉलेजेज हैं, जब हम इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे जिस दिन, उस दिन आपको और एलेबोरेट करेंगे, और आप हमारे वेबसाइट पे जाके पोर्टल पे, राजस्थान करियर पोर्टल पे जो हमारा पोर्टल है, उस पे आप इंजीनियरिंग ढूंढ लेना, आप इंजीनियरिंग पा सकते हैं वहां से। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है एजुकेटर, यानी अब हम टीचर नहीं है पर शिक्षाविद है,
अब एजुकेटर क्या है कि हमने क्या किया, कोई शिक्षण संस्थान खोलना है, कहीं ऐसा काम करना है जहां से बच्चों को, लोगों को शिक्षा मिले, तो अब हमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप भी होना है। सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा का भी ज्ञान, तकनीकी का भी ज्ञान और लोगों को साथ लेके चलने का ज्ञान, प्रशासनिक ज्ञान, अगर ये चीजें हमारे पास हैं तो हम एजुकेटर बन सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, या किसी के स्कूल कॉलेज में हम ऐसा पद ग्रहण कर सकते हैं जिसमें एजुकेशन को, शिक्षा को, शिक्षण को आगे लेके जाया जाए, उसे सहेज सकते हैं, संभाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि एजुकेशन में हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी में एजुकेशन ले, हम बैचलर डिग्री हमने टेक्नोलॉजी में ले ली, फिर कोई मास्टर डिग्री हमने किसी में ले ली और हमारा अनुभव शिक्षण में कहीं है, कुछ साल का हमने अनुभव है, फिर हमें पता चल गया कि अब हम एजुकेशन में कुछ और विशेष कर सकते हैं, तो हम आप एजुकेटर बन सकते हैं। यानी शिक्षा प्रदान करवाने वाला, किसी एक माध्यम से वो शिक्षा देगा कोई और, लेगा कोई और, मैं उसमें माध्यम बनूं, ऐसे हम एजुकेटर बन सकते हैं। तो इसके लिए भी बैचलर प्लस मास्टर पर अनुभव और चाहिए होता है इसमें। तो अब इसमें हम क्या बन सकते हैं, जैसे सरकारी स्कूलों के ऊपर आपने देखा होगा एक अफसर आता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर, या डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर कहें हम, तो वो क्या है, वो शैक्षणिक योग्यता भी उनके पास है, प्रशासनिक योग्यता भी उनके पास है, तो वो या तो प्रिंसिपल को प्रमोट करके बनाते हैं, या उनका शिक्षा में कोई अनुभव रहा हो पहले, उनकी शैक्षणिक योग्यता तो हो ही, बैचलर और मास्टर तो हो, पर कुछ साल का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 5 साल मांगते हैं, 5 साल का अनुभव कर लिया तो आप एजुकेटर बन सकते हो, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले पदों पर जा सकते हो। राज्य सरकार में ऐसे पद हैं, प्राइवेट में ऐसे बहुत सारे पद हैं, स्कूल मैनेजर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, इतने सारे पद होते हैं, और स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं वो एजुकेटर फील्ड से हैं, तो उसमें एजुकेशन के साथ आपका अनुभव हो तो आप एजुकेटर बन सकते हैं। उसके अलावा बच्चों रिसर्च में जा सकते हो, रिसर्च में जाने के लिए यानी अनुसंधान कर सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान, रिसर्च, उसके लिए आपको बैचलर के बाद मास्टर डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री एजुकेशन में होगी, बैचलर किसी भी विषय में हो सकते हो आप, उसके बाद आपको असिस्टेंट रिसर्च फेलोशिप या जूनियर रिसर्च फेलोशिप करके एक प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटीज में, आप उसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर देंगे तो इसमें रिसर्च करते करते आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, अभी शायद 30,000 के आसपास जूनियर रिसर्च फेलोशिप में महीने का पैसा मिलता है, पढ़ते पढ़ते, अनुसंधान करते करते आपको तनख्वाह मिलना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जब आप कर जाते हो फिर आपके जीवन में और भी शिक्षण के क्षेत्र में अवसर मिलने का रास्ता खुल जाता है, यानी आप अनुसंधान क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों और भी कई फील्ड हैं जिनमें आप सीधे सीधे नहीं पढ़ाते नहीं हो, मतलब टीचिंग नहीं करते, पर शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ करना है, टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं, पर मुझे मेरे गांव में स्कूल नहीं है, अच्छा है स्कूल नहीं, मैं वहां स्कूल खुलवाऊंगा, छोटे बच्चों का स्कूल नहीं है, मैं वहां स्कूल खोलूंगा, तो ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, एक स्कूल, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल खोल सकते हो, आजकल प्ले स्कूल बहुत है, एलिमेंट्री स्कूल्स बहुत है, नर्सरी स्कूल्स की बड़ी चेन आ रही है, वो कर सकते हो आप, स्कूल खोल सकते हो, कॉलेज खोल सकते हो या इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, वो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट के माध्यम से चलती है, NSQF इंस्टीट्यूट के माध्यम से चलती है, NIOS इंस्टीट्यूट के माध्यम से चलती है, तो बहुत सारी सरकारी योजना है जो कोर्स चलती है, वो कहाँ पढ़ेंगे बच्चे जाके, स्कूल कॉलेज में तो पढ़ते नहीं, वहां तो ये काम होते नहीं है, तो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं शहर में जिनको सरकार अप्रूव कर देती है उनके नियम के हिसाब से, और वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके पैसे कुछ सरकार से आते हैं, कुछ कोर्सेज में बच्चों से आते हैं, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग सर्विस एक ऑप्शन आ गया है आजकल, ऑनलाइन टीचिंग आजकल आप देख रहे हो सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये भी एक सर्विस है, आप इसमें भी ऑनलाइन टीचिंग, पहले आपको बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए,
स्नातक हो, ट्वेल्थ हो, ऑनलाइन में आप किसी भी लेवल पर, आपके पास कुछ होना चाहिए पढ़ाने के लिए विशेष। आपके पास अगर कुछ विशेष है तो आप टीचिंग कर सकते हो, या आप टीचर्स को इकट्ठा करके लाओ, प्लेटफॉर्म दे दो, भाई मेरे यहां से पढ़ाओ, मैं आपको देता हूं, इधर से बच्चे जुड़ेंगे, इधर से टीचर जुड़ेंगे, और आप उनको टेक्नोलॉजिकली फैसिलिटेट कर दो और आप ऑनलाइन टीचिंग सर्विस में आ गए। तो इस प्रकार आप अपना काम शुरू कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, आप खुद का बिजनेस एजुकेशन फील्ड में कर सकते हो। उसके अलावा और ऑप्शन है, आप ट्रेनर बन सकते हो, कोई एक चीज में महारत है आपको दूसरों को सिखाने में, आप प्रोफेशनल ट्रेनर बनाए, कोई प्रोफेशन है आपका, जैसे बड़े डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर्स का एक बड़ा ट्रेनर बन जाएगा, कोई एक नई चीज उसको आती है। ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग है, आपको आर्ट बहुत अच्छी आती है, आप आर्ट सिखाएं किसी को, आपको गाड़ी बनाना आता है बहुत अच्छा, तो आप जो लोग जहां लोग गाड़ियां ठीक करते हैं आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। आपको होटलों में जाकर ट्रेनिंग दे सकते हो, अगर आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है होटल में जाकर ट्रेनिंग दे सकते हो। कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं आप, कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन लिखना किसी के लिए, हर आदमी अच्छा लिख नहीं सकता, पर सब बिजनेस कर रहे हैं, तो जो बिजनेस कर रहा है वो लिख नहीं पाता, वो किसी को पैसे दे के लिखवाएगा, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, ये भी शिक्षण का काम है। ब्लॉगिंग कर सकते हो, यानी आप अपने मत इंटरनेट पर डाल सकते हो, आप अपना लिख के कोई एक अच्छी बात आप लिखते हो, आप किसी विचारधारा के व्यक्ति हो, वो अपनी विचारधारा इंटरनेट पर लिखते जाओ, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे वहां कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं आपको उसके पैसे देती हैं, तो आप ब्लॉगिंग शुरू कर दें, आप लोगों में मशहूर हो जाएंगे और कमाओगे भी। आप लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है, आप में जज्बा होना चाहिए कुछ लिखने का, गाने का, अगर गाने का जज्बा है तो आप लेखक कवि बन सकते हैं, और इसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, बशर्ते जज्बे की जरूरत है, आप में वो खूबी होनी चाहिए। या आप एक कलाकार बन सकते हो, आर्ट टीचर बन सकते हो, कोई एक कला आती हो, आपको नृत्य अच्छा आता है, कोरियोग्राफर बन सकते हो, वो भी टीचिंग का पार्ट है। आपको कोई प्ले आता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, आप उसके टीचर बन सकते हो। ढोलक अगर बजानी अगर अच्छी आती है तो आप ढोलक का इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, वहां लोग ढोलक सीखने आएंगे। सिलाई कढ़ाई आती है तो बच्चियां सिलाई कढ़ाई का इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं, वहां सीखने दूसरी महिलाएं आ सकती हैं। महिलाओं से संबंधित और कोई उद्योग धंधे, कुटीर धंधे, आपको ऐसा लगता हो कि ये चीज मैं दूसरों को सिखा के और उनके जीवन में प्रकाश और रोजगार ला सकता हूं, तो आप वो काम कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस टीचिंग में बच्चों हैं, जिनमें से किसी एक को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को इस क्षेत्र में आगे ले जा सकते हो, समृद्ध कर सकते हो, इस क्षेत्र में प्रगति पा सकते हो। पर जरूरत सिर्फ एक ही है, मन टटोलना, क्या शिक्षण में आपको आनंद आता है, शिक्षण के कार्य में आपको करके या लोगों का भला होते देखकर आनंद आता है, दूसरों के सहयोग में आपको आनंद आता है, तो आप शिक्षण के क्षेत्र में चलें। इस प्रकार ये शिक्षण के विकल्प थे, जिसमें हम दसवीं से लेके और अनुसंधान क्षेत्र तक, अगर पढ़ाई का जैसा हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के आधार पर हम अपना करियर बना सकते हैं। इससे अधिक आपको जानकारी चाहिए प्रोफेशनल में, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम अपने पोर्टल पर जाएंगे और पोर्टल पर प्रोफेशनल करियर्स को हम तलाशें। तो कैसे तलाशेंगे, पोर्टल पर गए, ये सामने आपको दिखाई देगा, यहाँ जानकारी केंद्र में गए, तो अभी तक हमने पिछली बार वोकेशनल कोर्सेज की जानकारी ली थी, अब हम यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज की भी वैसे ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ मैंने बताया है वो सब आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगा। करियर संबंधी जानकारी में गए, और करियर संबंधी जानकारी में जाने के बाद हमें वहाँ दो विकल्प मिलेंगे, एक प्रोफेशनल करियर, एक वोकेशनल करियर। तो वोकेशनल हम देख चुके हैं, प्रोफेशनल करियर ये यहाँ ये बटन नीली होगी तो समझें कि ये आपने ठीक किया हुआ है, यानी ठीक क्लिक किया हुआ है, और यहाँ आप देखेंगे तो आप शिक्षण और शिक्षा, यहाँ आपको ये विकल्प मिलेंगे, एजुकेशन टेक्नोलॉजिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशनिस्ट, और ये आपको पूरे 10 ऑप्शन है। अब इन 10 ऑप्शन में से किसी एक पर आप क्लिक करें, मान लिया हमने क्लिक किया स्कूल टीचर यानी शिक्षक, तो वो शिक्षक बनने के लिए, स्कूल टीचर बनने के लिए क्या करना है, और
क्या पढ़ना है, जो मैंने बताया वो सब यहाँ लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड बैचलर कोर्स करेंगे या हम बैचलर या उसके साथ बीएड करेंगे। रोजगार के अवसर क्या क्या हैं, सरकारी अवसर इसमें बहुत हैं, बहुत वेकेंसी निकलती हैं सरकारी, और इसमें ऐसा मानना है बच्चियों का रुझान बहुत होता है इस फील्ड में, बच्चियां बहुत इस फील्ड को ज्वाइन करती हैं, और देहात से लोग यानी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इस व्यवसाय में बहुत जाते हैं। तो पर ध्यान जरूर रखना, अगर रुचि है तो ही जाना, जिस कार्य में रुचि है उस कार्य में आप अपना शिक्षण कार्य करें। कॉलेज और विश्वविद्यालय इसको पढ़ने के लिए कहाँ होंगे वो आप देखेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। इस प्रकार यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बीए फिजिकल एजुकेशन कराती है, यानी फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हो, पीटीआई बन सकते हो, बीएससी बीएड ये कराती है यूनिवर्सिटी जयपुर की, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से कराती है, ये सब कुछ यहाँ है। तो यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये और डिटेल ला देगा, कितना खर्चा लगता है, क्या इसका प्रोसेस है। इस प्रकार बच्चों आप शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, अपना जीवन इस तरफ ले जा सकते हैं जहां आप स्वयं के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने राष्ट्र के उद्धार को अपना ध्येय बनाकर उसमें योगदान दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं रोचक रहा होगा। कल रविवार है, आप मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करना इस हफ्ते, और पढ़ाए गए सभी पाठों को दोहराना न भूलिएगा। अब हम फिर मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं श्वेताल्स निरोगधाम, एनसीईआरटी, अपराजिता फाउंडेशन, यूनिसेफ, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।